अब फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, क्या यूपीएससी सच में भेदभाव करती है, करता है हिंदी मीडियम से रिलेटेड? ये कंट्रोवर्सी की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ मैसेजेस आए हैं और उससे रिलेटेड बात हुई है कि ठीक है, इस पर वीडियो बनाते हैं, आपको सच्चाई के साथ रूबरू कराऊँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी भ्रम पैदा हो रहे हैं, जो भी भ्रांतियाँ आपके दिमाग में जो चल रही हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। और ये वीडियोस उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो सच में सीरियस हैं यूपीएससी को लेके। एक होते हैं सीरियस एस्पिरेंट, एक होते हैं टाइम पास एस्पिरेंट्स कि ठीक है, यूपीएससी के नाम से पढ़ रहे हैं लेकिन यूपीएससी की तैयारी ना करके कोई वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एक होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ये सच में सिविल सर्विस की परीक्षा जो है पास करनी है। तो उसी चीज़ को लेके मैं बात करूँगा। तो फटाफट टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। 2020 में, एक मिनट, 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट अगर देखें तो वही अगेन सेम हमें जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, निराशाजनक। 2020 में कोई एस्पिरेंट कह रहा है 30 प्लस सिलेक्शंस हुई हैं, कोई कह रहा है 2020 में 11 सिलेक्शंस हुए हैं। अभी हालांकि कंफर्म डेटा किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जब तक एनुअल रिपोर्ट नहीं आएगी जब से पता हमें नहीं चलेगा। जो भी मैं फैक्ट्स पर बात करूँगा वो यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट जो है 2000 हमारे पास 18 वाली है अभी लेटेस्ट, तो जो भी बात होगी हमारी इसी पे होगी। मतलब जिन्होंने डेटा 2018 का लिया है, हालांकि जो एनुअल रिपोर्ट है 2019-2020 है जिसका नाम है, वो आप यूपीएससी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। तो कंडी, इस वीडियो को बनाने का मकसद यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा यही है कि रिजल्ट्स कम जा रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है हिंदी मीडियम में, डिमोटिवेशन हो रहा है। अगर हम यूट्यूब पर जाएँ तो और ज़्यादा जलजला टाइप की वीडियो बनी पड़ी हैं कि आदमी देख के सहज जाए, उसमें कूदे ना कूदे, तो जिसमें डिमोटिवेशन और भी सारी चीज़ें, ये तो अंग्रेजी परीक्षा होगी, हिंदी मीडियम वालों को क्या होगा, कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ जो फैल रही हैं, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बेसिकली अगर बात को तो क्लियर करूँगा। देखिए, थोड़ा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री में चलते, पहले यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ 2011 से पहले की, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2013 से बात की, जिसमें ड्रास्टिकली चेंज हुआ 2013 के बाद हुआ। यहाँ मैं 2011 की बात करूँ, 2012 को हम जो है होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। 2011 में जो पैटर्न होता था यूपीएससी का, वो होता था एक जीएस, जिसमें से हिंदी वही जीएस का सेक्शन आना, प्लस थोड़ा बहुत लाइक 10-12 क्वेश्चन सी सेट के भी हो जाते थे, जिसमें मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पूछ लेता था। ये एक पहला पेपर ये होता था। दूसरा पेपर होता था आपका ऑप्शनल का, एमसीक्यू टाइप में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ज्योग्राफी है तो आपको मेन से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप के, वो भी आपने पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शनल पेपर का सब्जेक्ट का जो है सेकंड पेपर जो है होता था। जो आज का पेपर, जो 2000 पेपर में आज के समय क्या चल रहा है, जीएस का पेपर और साथ में सी सेट का पेपर, जिसमें हमें 33% हमें लाने हैं, यानी कि 27 क्वेश्चन हमें विदाउट डूइंग नेगेटिव मार्किंग हमें करेक्ट करने हैं। ये सिनेरियो चल रहा है 2011 से पहले के। थोड़ा सा ट्रेंड को भी समझेंगे और साथ में उस समय की सिचुएशन को भी समझेंगे। जब भी आपको मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सच में भेदभाव करती है, ये एक आंसर पे हम जो निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। 2011 में ये होता था कि भाई जो बच्चे होते थे हिंदी मीडियम वाले, वो जीएस में थोड़ा बहुत कर लेते थे, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बाजी मारते थे। ऑप्शन क्यों? हिंदी मीडियम वाला बहुत पढ़ता है, नो डाउट, ज़्यादा मेहनत करते हैं। एज इंग्लिश के कंपेयर में अगर हम पूरे डेटा को कंप्रेस करें तो हमें ये पता चलेगा कि 1.5 टाइम्स ज़्यादा पढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल है, मतलब इसका डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम भी मानते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ते हैं। उस कंडीशन में ये होता था कि जीएस में थोड़ा बहुत कम स्कोर आ गया, लेकिन यहाँ ऑप्शनल में, प्रीलिम्स के ऑप्शनल में खींच लेते थे, तो जिसके कारण हिंदी मीडियम का यहाँ पर रिजल्ट करीब 25-30% हो जाता था। जो लोग कहते हैं 50% होता था, सरासर गलत है, 25-30% के आसपास। तो 25-30% आना सच एक अच्छा एक सिनेरियो हमें जो देखने को मिलता था, जिसमें आईएएस भी मिल जाते थे। तो यहाँ पर अब देखो, एक तो ये बात होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं, एक मिनट, तो हमें ये पता चलता था, एक तो ये सिनेरियो हो गया जिसके कारण हमारे हिंदी मीडियम का रिजल्ट बच्चे ज़्यादा आते थे। क्यों? एक तरह से यहाँ पर ये स्कोर ज़्यादा करते थे और चीज़ें यहाँ पर बढ़िया होती थी। उस समय कंडीशंस क्या होती थी? नो इंटरनेट,
ऑलमोस्ट ना के बराबर। इस चीज को समझना, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, बताऊंगा आगे धीरे धीरे। दूसरा, दिल्ली हब ऑल इंडिया लेवल पे मैक्सिमम 90% बच्चे दिल्ली आके पढ़ते थे, सिनेरियो ये होता था। दूसरा, लैक ऑफ इंट्री जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपका आईएम्स, सीए, ये सब लोग इंट्री थोड़ा सा रोकते थे अपने आप को। ये नहीं कहता, आते थे इंजीनियर्स लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि देर इज सम स्मॉल रेशियो, 5% 6% अप्रोक्स ये चीजें चलती थी। नो इंटरनेट दिल्ली हब। चौथा, नो मोबाइल फोन। अरे इक्के दुक्के होते थे, वो फोन नहीं होते, अब तो हर किसी के पास है। उस समय होता होगा इक्का दुक्का, वो एक अलग चीज, लैंडलाइन फोन्स होते थे लेकिन मोबाइल फोन्स का इतना चलन उस समय नहीं था। हमारे पास एक ही सोर्स होता था, वो होता था न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। जो भी निकलते थे वो न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन्स के सोर्स जो हमें देखने को मिलते थे। समझ आ गया? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम आज के 2000, अगर हम आज के सिनेरियो को कंपेयर करें, ये कट गया, दिल्ली हब कट गया, इंटरनेट कट गया और ये भी कट गया क्योंकि अब इंट्री ज़्यादा हो रही है, वही सिनेरियो है। मतलब अगर हम 2011 के परिप्रेक्ष्य में, 2009 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चीज़ें निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदी मीडियम कूदता इसलिए था कि उनको पता, ठीक है दिल्ली जाना है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स भी अच्छे से कराते थे। क्यों? क्योंकि हम पैटर्न था, पैटर्न ये था कि यहाँ दो ऑप्शनल होते थे। अब ध्यान से समझना, ऑप्शनल के मार्क्स ज़्यादा होते थे रदर देन जीएस के। ऑप्शन के मार्क्स में ये होता था कि हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट बहुत चलाक होता था। चलाक का मतलब ये है कि वो ऐसे ऑप्शन लेता था जिसमें स्कोर उठाता था, जिसके कारण उसे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। दो ऑप्शनल के साथ जब चलता था तो ऑप्शन में अच्छा स्कोर तैयारी कर ली, जीएस में लुढ़क फटक के निकल के थोड़ा बहुत इंटरव्यू देते, ऐसे खींच लिया और कहानी यहाँ से बेड़ा पार। यानी कि हिंदी मीडियम का टारगेट होता था, ऑप्शन में टारगेट करते हैं, ऐसे को टारगेट करते हैं थोड़ा बहुत, इसमें इतना स्कोर कर लेते थे कि वो जीएस के मार्क ढक जाते थे 1/3 के बराबर, मतलब मान के चलो इतना, मतलब गैप हमें जो देखने को मिलता था, ये समझ आ गया। जिसके कारण यहाँ पे बच्चे हिट करते थे, यहाँ पे दो दो कोचिंग, तीन तीन कोचिंग के नोट्स, अपने नोट्स बनाना, ये सब चीज़ें प्री प्लान, दो दो तीन तीन साल पहले से प्रिपेयर करके चलना, ये चीज़ें आज भी चल रही हैं लेकिन इस पर चलते थे, जिसके कारण हिंदी मीडियम के सिलेक्शन यहाँ पे होते थे। क्या उस समय यूपीएससी बेदाव कर रहा था? अब क्वेश्चन है यहाँ पे, आप बोलोगे नहीं सिलेक्शन हो रहे, तो फिर 2013 में ऐसी क्यों बात है? आज 2020 जो बोल रहे हैं, 21, वैसे तो 21 चल रहा है, जो 20 का रिजल्ट आया उसमें भेदभाव दिख रहा है आपको, उसी की कंट्रोवर्सी में मैं लेके चलूंगा। ये समझ आया, बैकग्राउंड समझ आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या सिनेरियो था क्या नहीं था। फिर उसके बाद यूपीएससी हर 10 साल में अपने आप को रिफॉर्म करता है, सिलेबस में रिफॉर्म करता है। जैसे कि जब एक डीएम जो होता है, आपने देखा होगा मिनिमम 2 साल के लिए कहना कि टिकता है, उसी के जैसे यूपीएससी भी अपने सिलेबस में, आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे इसलिए पता कि मेरा पावर्ड है था मतलब, तो उस कंडीशन में यूपीएससी हर 10 साल में अपने सिलेबस में चेंजेस लाता है। क्यों? वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है वैसे वैसे चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है, ये समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होता था और यहाँ पे यूपीएससी भेदभाव नहीं करता था क्योंकि ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स में, अब देखो यहाँ पर आज के दौर की, अब मैं बात करूँ प्रेजेंट सिनेरियो की, पहले मैं 2013 की बात नहीं करूँगा, पहले मैं बात करूँगा 2020 की सिनेरियो की। सबके पास फोन्स हैं, सबके पास इंटरनेट है, हर एक एस्पिरेंट के पास फोन है, ऑलमोस्ट 99.9% सबके पास फोन है। इंटरनेट की फैसिलिटी जब दी गई है, इसका ये लोग मिसयूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग। मिसयूज़ का मतलब टाइम किल करना, वो वैसा मिसयूज़ नहीं है, पोन वोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मिसयूज़ का मतलब यूट्यूब में खो जाना, वेबसाइट में खो जाना, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ा 1 घंटा, लाओ थोड़ा मोबाइल देख लें, मोबाइल चलते चलते कब 1.5-2 घंटे हो गए पता नहीं चला, टाइम किल। यानी कि इंटरनेट ने अब क्या किया है, टाइम को किलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये हिंदी मीडियम वालों को बाद में रियलाइज होता है, जो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में जब टाइम किल होता है तो फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, एक तो ये बात भी होगी, ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो की। फिर दूसरा, डेटिंग साइट्स,
बीच थोड़ी बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे। हाय, अगर आप एक लड़की का अकाउंट बना ले तो आपको दुनिया भर के मैसेजेस आ जाएंगे, प्रैक्टिकल है ना, एंजल प्रिया के नाम से। ये भी सारी चीज़ डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत हैं, तो एक ये भी एक सिनेरियो, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अब क्या हुआ 2013 में जब हमें ये पता चला, जब कमेटी रिफॉर्म करी गई, रिकमेंडेशन आई, यूपीएससी ने जब किया, तो फिर जीएस आ गया और साथ में सीसेट आ गया। लेकिन हालांकि यूपीएससी ने 2015 में सीसेट को बोला कि ठीक है, हिंदी मीडियम की मांग जायज़ है, क्योंकि मैथ्स के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस ले रहे हैं, उस कंडीशन में सीसेट ने आपकी बात मानी, क्योंकि आंदोलन हुए थे। यहाँ पर यूपीएससी ने भेदभाव किया नहीं किया, क्यों? उन्होंने आपकी बात मानी। भेदभाव उस कंडीशन में होता अगर वो आपकी बात नहीं मानते, एज इट इज़ सेम पैटर्न रखते, ये बात होगी। अब एक क्वेश्चन, तो सीसेट को हटा क्यों नहीं देते हैं? भाई आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की टॉप मोस्ट पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी फाइलें आती हैं, उसका एनालिसिस कैसे करोगे? कभी आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी किसी की सब्जेक्ट की? कितना एनालिसिस आता है, कितने डेटाज निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? थोड़ी बहुत कॉमन सेंस, थोड़े बहुत लॉजिक्स तो चाहिए ना उसके लिए, थोड़ा बहुत तो मैथ्स का ज्ञान और थोड़ा सा रीजनिंग का ज्ञान तो होना चाहिए ना, पजल का। अब तुम अगर ये नहीं कर पाते तो छोड़ दो ना यूपीएससी, सॉरी टू से, बुरा लग रहा होगा लेकिन फैक्ट तो यही है भाई। आप एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करो, आप यूएन को, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे यूएन के अंदर, कभी खुदा ना खास्ता अगर आपका कहीं अच्छी जगह हो गया, अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, तो उस कंडीशन में भाई यूपीएससी को तेज तरह बंदे चाहिए, समझ आए? तो उस कंडीशन में 2013 के बाद फिर इंजीनियरिंग मेडिकल आईएम्स वालों की एंट्री हो गई, क्यों? सीसेट की वजह से। यहां पर हिंदी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले थोड़े थोड़े पीछे लगे, लेकिन हालांकि इस समानता को फिर बरकरार रखा गया और 2015 में सीसेट को क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि बच्चे सीसेट में ज्यादा फेल हो रहे हैं। आई डू एक्सेप्ट इट कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीसेट में फेल अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो हमारे जैसे बच्चों के यार 25 बच्चे सीसेट में फेल हो सकते हैं, तो फिर मैं एक ओवरऑल डेटा की बात कर रहा हूँ सीसेट। लेकिन अगर थोड़ा एनालाइज करो, मैथ्स, रीजनिंग और कंपनेशन जो आता है, MRC जो होता है, यार ठीक है आपको कंपनेशन में दिक्कत आ रही है ना, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 27-26 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग तो प्रूव कर ही सकते हो ना भाई, SSC का एग्जाम भी तो देते हो ना। इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग आती है, कभी उनसे बहस करके देखो, नहीं कर पाओगे ना, क्यों? आपके पास आंसर है इसका, मैथ्स के बारे में नहीं बात करूंगा। तो उसी की कंडीशन में मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग करो तो क्यों नहीं होगा? 27 क्वेश्चन सही करने, 80 में से थोड़ी सी एफर्ट्स करोगे तो हो जाता है। लेकिन यहां पे हिंदी मीडियम कैंडिडेट अपने आप को बिजी रखता है जीएस में और प्रीलिम्स में, और सीसेट को कल करूंगा, और एक डेढ़ हफ्ता जब बचता है तो फिर सीसेट उठाता है, फिर पता चलता है कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, कंप्रेशन करके आऊंगा, ठोक के आऊंगा, उसमें आधे गलत, और यहां पे कहानी खत्म हो जाती है। तो एक तो ये बात भी हो गई कि भाई 2015 के बाद से सीसेट के कारण बच्चे फेल कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा 2013 की। 2013 में जब सिलेबस को चेंज किया गया, जब बिल्कुल अगर हम बात करें 2013 में जब सिलेबस को बिल्कुल जब चेंज किया गया, तो उस कंडीशन में हमें यह पता चला हिंदी मीडियम वाले अपने आप को थोड़ा इन्होंने रोक लिया। रोक एक मतलब यह होता है कि थोड़ा सा पोज दिया अपने आप को, मतलब पोज कर दिया कि अब पहले देख लें पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल था नहीं, कुछ था नहीं, फिर भी कुछ हिंदी मीडियम वालों ने एग्जाम दिया और उसमें से सिलेक्शन भी हुए, 30+ सिलेक्शन उस समय हुए थे। एक ऐसा भी टर्म आया है जब हिंदी मीडियम के सिर्फ 8 सिलेक्शन में फाइनल, लेकिन हालांकि जैसे जैसे वैकेंसी, अब देखो यहाँ पे एक तुम्हें ये भी सिनेरियो समझना पड़ेगा, इस ऑल अबाउट द वैकेंसीज। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, जितनी कम वैकेंसी होगी उतने ही कम आपके चांसेस आपके होते हैं मतलब सिलेक्ट ना होने के, समझ आ गया? तो 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो हिंदी मीडियम वाले रुक इसलिए गए मटेरियल था नहीं, और दूसरा जब 2013 में जब लोगों ने देखा तो पेपर जो था बिल्कुल करंट अफेयर ओरिएंटेड बना दिया गया। करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि अब आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। पहले था ऑप्शनल कि ठीक है अपने नोट्स बना लिए, स्टैटिक के नोट्स बना लिए, तेज तरह बना लिए, इन्हीं को रटना, इन्हीं को जपना, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी, सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब बना दे करंट अफेयर, तो जिसके कारण बच्चे और पजल हो गए। इसके पीछे एक रीज़न है, कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी चाहता है, उनको वो बंदे नहीं चाहिए जो 10-10 साल से यूपीएससी कर रहे हैं, उनको वो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, जैसे कि ठीक है पुराना स्टूडेंट जो 7 साल से पढ़ा पीटी निकाल सकता मानता हूँ, लेकिन मेंस में फिर उसको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, सेम एग्जैक्ट नया,
जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहा है, और जो 6 साल से दे रहा है लगातार, बोथ आर सेम। क्यों सेम है? करंट अफेयर तो बिल्कुल नया, भाई जो चीज़ वो पढ़ रहा है वो चीज़ वो पढ़ रहा है। पहले ही होता था कि चीज़ें रिपीटेड होती थी, बट यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। और दूसरा, पेपर बिल्कुल करंट अफेयर ओरिएंटेड बनाने के कारण यहाँ पे बच्चे पीछे हटने लग गए। क्यों? हिंदी मीडियम में लेखन कला को लेकर थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं। आज भी ये भूमिका की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले तेज तरार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टू द पॉइंट लिखते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये बिग रीज़न है। मैं मान सकता हूँ ये भ्रांति, ये जो प्रॉब्लम्स थी ये 2013 से लेके 2017 के बीच में बहुत ज़्यादा थी। क्यों? उस समय हिंदी मीडियम की वेबसाइट्स नहीं थी, या फिर और भी चीज़ें नहीं थी, मटेरियल भी नहीं था, अपडेटेड नहीं था, इंग्लिश में ही होता था सब कुछ, तो उसके कारण मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप 2018-2019 का डेटा देखें तो सिलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रीलिम्स में बच्चे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द सीसेट। सीसेट के कारण जब बच्चे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, तो जब बच्चे आगे नहीं आ पा रहे हैं तो भाई कहाँ से होगा सिलेक्शन? पहले ये होता था 22-25% के आसपास, इवन 30% के आसपास बच्चे जो हैं मेंस में पहुंच जाते थे। यहीं पे ही ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 10,000 बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो हार्डली मैक्सिमम एक्सेस का 10% 1,000 बच्चे ही हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं। ये एक ओवरऑल रेशियो है। 13% भी हुआ है, 14% भी हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। मैं एक मोटा मोटा लेके चलूँ कि 10% के हिसाब 10% बच्चे जो है, यानी कि अगर 10,000 बच्चे अगर मान लो अगर मेंस में आ रहे हैं, तो ये मान के चलना कि 900-800 से 1,000 के बीच में हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे। तो जब हिंदी मीडियम के 800 बच्चे मान लो, अगर 800 बच्चे होंगे तो कम से कम 200 बच्चे तो कंपलसरी पेपर में फेल हो जाते हैं इंग्लिश वाले। क्यों? ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है, छठी क्लास में हिंदी सीखते हैं या फिर इंग्लिश सीखते हैं, तो जिसके कारण वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो बच्चे कितने आपके? 600 बच्चे। 600 में से करीब 100 या फिर 150 तो पास करते ही हैं, तो फिर कहाँ से हुआ भेदभाव? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक लेटेस्ट अप्रोच को समझना पड़ेगा। आपको अगर आप अब देखो, लोग कहते हैं भेदभाव करता है, एक चीज़ और समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार यूपीएससी कैसे भेदभाव करता है? या हिंदी मीडियम में, हिंदी लिटरेचर में 343 मार्क्स भी तो आ रहे हैं किसी के, मैं बात करूँ भेदभाव की, 343 मार्क्स भी तो आ रहे हैं। इसी के जैसे एसए में 158 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं 250 में से, बताओ 158 मार्क्स भी आ रहे हैं 250 में से, तो भेदभाव कैसे हो रहा है? कैसे हिंदी मीडियम? रीजन यही है कि प्रीलिम्स में नहीं उठ पा रहे हैं बच्चे, यानी कि मेंस नहीं लिख पा रहे हैं। प्रीलिम्स जब बाहर हो जाते हैं तो कहानी ऑटोमेटिक, जब रेशो ही कम होगा तो यार क्रीम तो कम ही आएगी ना, जब दूध ही कम चढ़ेगा तो फिर प्लाई कहाँ से जमेगी? तो उसी कंडीशन में हमें अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप अपने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करो और साथ में मेंस को साइमल्टेनियसली लो। ये नहीं कि प्रीलिम्स इज नॉट अ फेस्टिवल, एक चीज़ और समझना, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें लेके चलो, एक तो ये बात होगी। तो इसके कारण हम, मुझे नहीं लगता, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, कि यूपीएससी भेदभाव कर रहे। क्यों? मार्क्स मिल रहे हैं, इवन जीएस में भी 100 प्लस मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। इस ऑल अबाउट द कंटेंट, आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी अप्रोच को टू द पॉइंट आंसर लिखना स्टार्ट करो, जहाँ डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाओ, जहाँ कोई ग्राफ बनाना ग्राफ बनाओ, तो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स में इनोवेशंस करोगे। अपनी, मैं तो बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी टॉपर की आंसर शीट ले लो, उसको डाउनलोड करो, उसको देखो, एनालाइज करो, उस पर 1 से 2 दिन टाइम दो, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, बच्चे सिर्फ बुक लिस्ट के पीछे भागते हैं, ना कि यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस पेपर के पीछे। एक ये भी एक रीज़न है सिलेक्शंस में ना होने का, उनको सिर्फ बुक लिस्ट दे दो। भाई बुक लिस्ट सभी को पता है, यूट्यूब का जमाना अब तो वही है, सेम चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। अप्रोच को समझोगे तो सिलेक्शंस आपके जरूर होंगे, ये बात भी समझ आ गई। अब कुछ डेटा पे बात करते हैं। डेटा पे मतलब कहने मतलब यहाँ पे ये है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लो, ये शायद ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला है। यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि देखो ये है हमारे GS1 GS2 GS3 GS4, यहाँ देखो बच्चे 67 89 63 88 66 88, ये इधर देखो हिंदी मीडियम के, जैसे कि 570 888 563, ये सब हिंदी मीडियम के बच्चे पेपर दे रहे हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं कुछ 9000 10000 9000 10000 इसके हिसाब से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जब बच्चे यहीं मेंस में कम पहुंचेंगे तो सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक कम होगा,
यानी कि आपको अपनी अप्रोच में, देखो जीएस जनरल प्रीलिम्स में कोई भेदभाव नहीं है, सीसेट में ये आपकी निगलेंसी है कि आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं कि आपको जहाँ पे आपको सीसेट को, मैं कहता हूँ लास्ट के चार महीने में आपको प्रैक्टिस या पाँच महीने प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको वहाँ करनी पड़ेगी, जब जाके आपका प्रीलिम क्वालिफाई होगा, जब ज़्यादा बच्चे प्रीलिम्स में उठ के ज़्यादा आएंगे तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में भेदभाव खत्म हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें तो कुछ वेबसाइट्स चैनल्स अब हिंदी मीडियम को लेकर सतर्क हैं, इवन हम भी लोग भी सतर्क हैं, हमारा करंट अफेयर सीरीज आने वाली है, तो उस कंडीशन में अब हम लोग हिंदी मीडियम को लेकर और थोड़ा हम ये चाहेंगे कि हम प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कूदाएँ। जब प्रीलिम्स में कूदेंगे तो मेंस अपने आप होगा, अगर हम फौज भेजेंगे पीछे से 5,000 बंदों की या 4,000 बंदों की तो डेफिनेटली यार आगे बच्चे तो निकलेंगे। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और देखो, मैं डेटा से समझाता हूँ, यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट से आप नोटिस करो, नोटिस करना, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 2018 का डेटा है ये, इसमें इंटरव्यू और रिकमेंडेड, तो ये इतने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ने इतने बच्चों ने दिया, इंजीनियरिंग के बच्चों ने यहाँ दिया। मैं मानता हूँ यहाँ पे लेवल जो है इंजीनियरिंग का बड़ा है, क्यों? ड्यू टू द इंटरनेट। जब से इंटरनेट आया है, जब से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। एक ज़माना होता था जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट आप खरीद लो तो एक्सचेंज नहीं होता था, अब यहाँ 7 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। टाइम कैसे कैसे चेंज हो रहा है, आपने चीज रिफंड तक मिलता है, कभी सोचा था हमने कि कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला रिफंड मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें समय के साथ, समय की मांग है, ये ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सोचो यार, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ड्रेस्टिकली चेंज हो रही हैं। तो इस चीज़ को आपको भी, अब कोई आप चीज़ करते हो तो इंटरनेट से सारे काम कर लेते हो ना, आपको RTO में भी जाना पड़ेगा, इवन आप दिल्ली में हो आपको RTO नहीं जाना, अब फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है, दैट्स इट। तो उस कंडीशन में चीज़ें जिस तरह से चेंज हो, अब यहाँ पे आप देखो ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट है इसका 42% सक्सेस रेशो है, तो कौन कहता है कि BA और MA वाले फेल हो रहे हैं? सक्सेस रेशो क्या बता रहा भाई? साथ में इंजीनियरिंग का सक्सेस रेशो देखो तो 38.9% है, यानी कि अभी भी अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट का सक्सेस रेशो सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बाजी हो रही है, ह्यूमैनिटी में इंग्लिश मीडियम भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदी मीडियम का सिर्फ, लेकिन आप अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, बीए और आपने नॉर्मल सा बीए कर रखा है, तो हिम्मत मत हारिए। यहाँ पे डेटा, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। अब इसी पे अगर आप थोड़ा यहाँ से देखो, ये है नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट, कितने बच्चे अपीयर्ड हुए, ये सिलेक्शन रेशो है कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, और ये सक्सेस रेट है। तो यहाँ से तुम्हें एक नोटिस, ये चीज़ नोटिस करो, अगर मैं हिंदी लिटरेचर की बात करूँ, ये देखो ये हिंदी लिटरेचर, 236 बच्चों ने हिंदी लिटरेचर के साथ एग्जाम दिया हिंदी मीडियम वालों ने, और साथ में इसका सक्सेस रेशियो जो था 6.4% था, यानी कि 15 बच्चे हिंदी लिटरेचर के साथ पास हुए थे। अब इसी को तुलना करो, इसका हिंदी मीडियम का कितना सक्सेस रेशियो है, 6.4% भाई, ये देखो 2.4% किसका, ये हिस्ट्री का, और देखो और डाउन किसका है, 5.1%, ये देखो किसका है, ज्योग्राफी का, और देखो 5.2 किसका है, सिविल इंजीनियरिंग का। अब यहाँ से नोटिस करना, क्या तुम्हें यहाँ पे भेदभाव दिख रहा है? ये देखो इसका रेशियो सिर्फ ओनली 5.2 है और हिंदी लिटरेचर का 6.4 है, तो भेदभाव कहाँ से हुआ बताओ? इस चीज़ को समझे आप। नेक्स्ट देखो, इसी के जैसे और चीज़ें देखो, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे और देखें तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उर्दू को देखो, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशो है 18.8% का, बाकी पोस्ट करके देख लेना, टाइम पास नहीं करना मैं यहाँ पे। ये देखो और सब्जेक्ट्स को देखो, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चीज़ें हो रही हैं, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। अब ये जो डेटा है, ये है कि कितने बच्चों ने मीडियम फॉर्म एग्ज़ाम है, ये सब्जेक्ट है, ये सारे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से जो हिंदी मीडियम में लिखने वाले बच्चे 58 थे, ध्यान से समझना, पॉलिटिकल साइंस से हिंदी मीडियम में लिखने वाले बच्चे 58 थे और इंग्लिश मीडियम वाले लिखने वाले बच्चे 1214 थे, यानी कि PSIR से कितने थे, सिर्फ आपके 58 स्टूडेंट और वहीं इंग्लिश मीडियम के 1214 स्टूडेंट। तो भाई जब इतना गैप हमें यही मेंस में दिख रहा है,
आप देखो कोई भी डेटा देख लो आपको इंग्लिश का ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट वहाँ से देख लेना, ये आपको खुद समझ आ जाएगा। और यहाँ देखो 58, 43, 1, 1, 31, 14, तो जब ये चीज़ें चल रही हैं तो फिर कैसे होगा? क्योंकि हमारी एंट्री प्रिलिम्स में ही कम जा रही है जिसके कारण सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब करना है डिसिप्लिन में स्टडी। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें। पहली बात, भटकाव जो होता है लाइक जिसको बोलते हैं स्टिक विद वन यानी कि कोई भी किताब लें इसको एक को पढ़ें, फोकस मोन और करंट अफेयर्स, ठीक है, फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर। जब भी पढ़ें फोन को हमेशा, मतलब फोन को बिल्कुल दूर रखें जब भी, अगर मान लो पढ़ रहे हो। मैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही बोलूँगा कि सुबह से शाम अपने अर्जेंट अपने घर वालों को बोल दो कि पापा जी जो भी है, माता जी जो भी है, रात में बात करो, सुबह कोई ज़रूरत नहीं, मैं सुबह में पढ़ता हूँ। तो बेस्ट है कि फ़ोन को अपने साइलेंट मोड पर रखो, कि यारी दोस्ती इतना नहीं, जो भी है यारी दोस्ती है उसको लिमिटेड करो। अब ये नहीं तुम्हारा 5-15, 20-20 बच्चों का ग्रुप है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। और जो इधर उधर देखते हो आप मैगजीन्स में, कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन लगा लो, किसी की भी लगा लो, उसी के साथ चिपक के रहना है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आंसर राइटिंग, और आपको अपने ऑप्शनल के नोट्स बना के यहाँ पे रखने पड़ेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, जैसे ये बताया और भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, और आंसर राइटिंग इज़ द कोर सक्सेस, आंसर राइटिंग वो भी कौन सी, मॉडर्न वाली, मॉडर्न अप्रोच अगर आप लगते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शंस आपके होंगे। तो मेरा ये था यहाँ पे कंक्लूजन कि दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है इस पूरी वीडियो का, यूपीएससी भेदभाव नहीं करती, टाइम के साथ चीज़ें होती हैं लेकिन यूपीएससी भेदभाव नहीं करती, जिस तरह से मैंने फैक्ट्स पे लेके बात करी। हम क्वेश्चन यही है, प्रीलिम्स में बच्चे कम पहुँच रहे हैं सीसेट की वजह से, आप सीसेट पर मेहनत कीजिए और डेफिनेटली सीसेट जायज़ भी है। क्यों? आप एक आईएएस कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और कलेक्टर में बहुत एनालिसिस पावर होती है, उस सबकी एनालिसिस पावर भी बढ़ेगी। तो आप ये भूल जाइए कि सीसेट हटा देने से कुछ होगा, नहीं, गलत सोच रहे हैं। आपको सिर्फ ये है, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी गाइस थैंक यू।